नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे इंसानी सभ्यता का विकास हो रहा है वैसे वैसे इंसान की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में इंसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जिसने अभी हाल ही में हमें कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जो 13.5 बिलियन ईयर पुरानी अंतरिक्ष घटनाओं को दर्शाती हैं। तो चलिए पहले इन तस्वीरों को देख लेते हैं, फिर जानेंगे कि कैसे हम एलियंस के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच गए हैं। यह पहली पिक्चर अपने आप में बहुत ही अद्भुत है क्योंकि ये यूनिवर्स की ली गई पहली कलर पिक्चर है। इसे खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लॉन्च किया और इसको मानव सभ्यता की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई। यह पिक्चर गैलेक्सीज का समूह है जो तारों की तरह टिमटिमा रहा है। दूसरी पिक्चर हमें बहुत ज्यादा रोमांचित करती है। इसमें हम एक तारे को जन्म लेते हुए देख सकते हैं। यह तारा अभी अपने शुरुआती चरण में है और गैस और धूल के कणों से भरा हुआ है। इंसानों की तरह तारों की भी उम्र होती है। यह पिक एक नष्ट होते हुए तारे की पिक है जो हजारों साल से गैस और डस्ट के क्लाउड्स रिलीज कर रहा है। और लास्ट में आती है यह पिक जो चार गैलेक्सीज का समूह है। यह हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और इनमें भी सूरज और पृथ्वी की तरह करोड़ों तारे और ग्रह हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना ताकतवर है कि वो हमारी गैलेक्सी के साथ साथ अन्य गैलेक्सी में मौजूद प्लैनेट्स की भी बहुत डिटेल पिक्स और इन्फॉर्मेशन ले सकता है। हमारी गैलेक्सी और अन्य गैलेक्सी में कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हैबिटेबल जोन में आते हैं, मतलब उनके सूर्य से दूरी, तापमान, वायुमंडल इत्यादि हमारी पृथ्वी की तरह हैं। तो अब इंसान दूर दूर तक फैली गैलेक्सी के प्लैनेट्स की भी पूरी डिटेल पा सकता है और इसलिए नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसीज का मानना है कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब इंसान एलियंस से संपर्क करने में सक्षम होंगे। केपलर 69 और हाल ही में खोजा गया ट्रैपिस्ट 1e दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से बहुत अधिक समानता रखते हैं। वहाँ लिक्विड फॉर्म में पानी, वायुमंडल और उनकी सतह चट्टानों से बनी होने की पूरी उम्मीद है। इसलिए माना जा रहा है कि वहाँ लाइफ मौजूद होने की पूरी संभावना है, पर इस बात की उम्मीद कम ही है कि वहाँ की सभ्यता मानव सभ्यता से ज़्यादा विकसित होंगी, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो वो इंसानों से संपर्क करने की कोशिश जरूर करते। पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई और सभ्यता मानव सभ्यता से विकसित नहीं हो सकती, क्योंकि ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इंसानों ने अभी इस ब्रह्मांड को बहुत कम ही जाना है। और हमें अक्सर UFO से संबंधित खबरें मिलती रहती हैं जो आम जनमानस से कभी साझा नहीं की जाती, तो इस बात के बहुत चांस हैं कि कोई हमसे विकसित सभ्यता हम पर नज़र रखे हो और वक्त आने पर हम पर अटैक कर दे। इसलिए अंतरिक्ष की खोज के साथ साथ हमें पूरी सतर्कता भी दिखानी होगी ताकि कोई विकसित सभ्यता हमारी मानव सभ्यता के लिए खतरा ना बन जाए। आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।